वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं माध्यक के बारे में। निम्न का माध्यक ज्ञात करें। एक बात ध्यान से सुन ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तारीफ की जाए उतना ही कम है। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन बिहार में 11 बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार में 11 बार पूछे हैं। झारखंड में हर बार 2009 से लेकर 2020 तक यानी 9 में भी पूछा, यानी 12 साल पूछा गया है। झारखंड में बिहार में 11 बार तो झारखंड में 12 बार पूछा गया, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं 100% आएगा माध्यक। अगर माध्यक नहीं आएगा तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। कारण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्न का माध्यक ज्ञात करें। अब बनाइएगा, झारखंड में मिलेगा 6 नंबर और बिहार में मिलेगा पूरा 5 नंबर। तो चलिए मैं बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। निम्न का माध्यक ज्ञात करें, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 105 से हो गया 125, ठीक है, 125, 125 से हो गया 145, 165, इस तरह करके ये क्या है, वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल है और यहाँ पर बारंबारता है। बारंबारता को एफ आई या एफ वन से डिनोट किया जाता है। बहुत को एफ वन बोलता है, एफ आई बोलता है, तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बारंबारता को एफ आई और संचयी बारंबारता को सी एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को इस तरह समझा दूंगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं समझा दूंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक नहीं करना है। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 बीए, बीएससी, एमए, एमएससी तक का वीडियो उपलब्ध है। आज हो कल हो, इस चैनल से आपको ज़रूरत इस कभी हो यानी कभी भी हो, आपको ज़रूरत कभी ना कभी अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए इस चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। तो चलिए मैं बात करता हूँ, 65 से 85, 85 से 105 इस तरह के दिया हुआ है। तो ये जो सरफेस लिखे हैं यानी ये जो लिखे हैं वर्ग अंतराल, यहाँ से जो जो चीज़ है ऊपर वाला वही चीज़ लिखे हैं। 65 से 85 तो 65 से 85 वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिए, 85 से 105 तो 85 से 105, 105 से 125, जो ऊपर में जो जो चीज़ दिया है आपको भी 3 कॉलम बनाना है माध्यक में। अब बोलिएगा, हो सकता है परीक्षा में आ जाएगा निम्न का माध्यिका ज्ञात करे। हर्षिकार इसमें लगा दिया कि निम्न का माध्यिका ज्ञात करे, तो यही चीज़ बनाना है, घबराना नहीं है। नहीं तो बोलिएगा कि परीक्षा में कहाँ आया, आप तो बोल दिए थे 100% गारंटी है। तो मैं बोलता हूँ माध्यक की जगह माध्यिका आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वही चीज़ बना देना। हाँ, इतना जरूर है, माध्यक जो है, माध्यक के जगह अगर को हटा दिया तो अलग क्वेश्चन होगा। माध्य अलग होता है, ठीक है, और माध्यक क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है। माध्य और माध्यक में अंतर है, लेकिन माध्यिका और माध्यक जो होता है दोनों सेम होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, नीचे वाला बारंबारता जो है, नीचे जो जो चीज लिखा हुआ है यही सब देख के उतार देना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान को, माइंड को आकर्षित करके रखिए। यहाँ पर सिर्फ बोर्ड देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, जीवन भर नहीं भूलिएगा जब तक जीवित रहिएगा। तो 4 है तो क्या लिख देना है, 4। 5 है तो क्या लिखना है, 5। जो चीज है वही चीज लिखना, अब बस कुछ ना है इसमें। 13 है 13 लिख दिए, 20 है तो 20 लिख दिए, 14 है तो 14 लिख दिए, ठीक है, 8 है तो 8 लिख दिए, 4 है तो क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, योग, योग n भी लिख सकते हैं, ठीक है, n बराबर जोड़ना है। ठीक है, तो सभी को जोड़ना है, 5, 4, 9, 13, 9, 22, 42, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, जोड़ने पर क्या हुआ, 68। ठीक है, अब लाना है 68, यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लाना है सी एफ, ध्यान दीजिए, ये दोनों तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको आपका यदि क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका यदि क्वेश्चन में आ गया इस तरह के, तो 3 कॉलम बना देना है। ध्यान दीजिएगा, 3 कॉलम बना देना है, एक बार ऊपर वाला यहाँ लिखना है और इसका नीचे वाला साइड में लिखना है, बस बन गया और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, 4 है तो सबसे पहले 4 लिख देना है, ध्यान दीजिएगा इस तरह, जल्दी समझ में फिर नहीं आएगा। 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। अब 4 और 5 क्या होगा बताइए, 9। 4 और 5 क्या हुआ, 9। ये दोनों को जोड़ना है नीचे से, 9 और 13 क्या हो जाएगा, 9 और 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22।
यहाँ पर हो जाएगा 22, यानी इसको जोड़ना है, नाव जो है नाव को 13 में जोड़ देना है तो हो जाएगा 22। ध्यान दीजिए, इसी तरह जोड़ना है हर हिसाब में, ये नहीं कि इसमें जोड़ना है दूसरा में दूसरा तरीका से बता दिया, नहीं, नियम होता है सभी चीज का, कोई भी चीज बताइए तो हर हिसाब बन जाना चाहिए, नहीं तो वो नियम नहीं हुआ, बताने का तरीका नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिए, ये जो हुआ 22 हो गया, 22 और 20 क्या हो गया 42, 42 लिख दिए, 42 और 14 तो हो जाएगा 46 10 56, 56 और 8 हो गया 64, 64 और 4 हो गया 68, यानी कि ये दोनों कोना मिल गया तो समझिए कि मेरा जोड़ यानी टोटल जो योग है मेरा सही है, ठीक है, तो 68 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बनाना है कैसे, बोल रहा है माध्यक ज्ञात करें, हम तो जोड़ दिए, माध्यक तो नहीं है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको लिखा जाता है एन बराबर क्या हो गया बताइए, एन बराबर हो गया 68, तो इसको लिख सकते हैं आधा करते हैं, सबसे पहले आधा क्यों करेंगे, नियम है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला होगा एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, तो एन बाय टू लगेगा, तो इसको एन हुआ तो एन बाय टू बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एन के मान हुआ 68, तो 68 लिख दिया, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है नीचे 2 है तो 2 लिख देना है, ये सूत्र हुआ आधा करना है, 68 है एन के मान 68 है तो एन के सामने 68, बराबर है तो बराबर, 2 है तो नीचे 2 है तो इसमें भी 2, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 34, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर 34। अब आपको ध्यान देना है कि करना है क्या, ठीक है, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है और आना चाहिए कि 34 आया है या नहीं आया है, ठीक है, 34 आ गया, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं n बाय टू, n बाय टू यानी कि लिख सकते हैं 34 से बड़ी, 34 से बड़ी CF, CF को ही संचयी बारंबारता से डिनोट किया जाता है, n बाय टू यानी 34 से बड़ा, 34 से बड़ा देखना है, खोजना है, ऊपर से खोजते खोजते आना है 34 से बड़ा, यानी 34 से बड़ा संचयी बारंबारता वर्ग, बारंबारता वर्ग, या हिंदी से आप लिख सकते हैं बड़ी संचयी बारंबारता वर्ग, ठीक है, यानी कि एन बाय 34 से बड़ा खोजना है, 34 से बड़ा है क्या, यहां से देखना, 4 नहीं है 22 नहीं, 34 से बड़ा क्या है 42, 34 से बड़ा क्या है 42, याद रखिएगा, यानी कि इसका संचयी बारंबारता वर्ग हो जाएगा 125 से 145, यानी हो जाएगा 125 से 145, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 125 से 145। तो आपको पता होगा शुरू वाला जो होता है एल होता है, यानी एल बराबर क्या लिख दिए, एल बराबर हो जाएगा 125, एल बराबर जो हो गया ये 125 होता है, इसको एल बोला जाता है। अब लिखना है एच कोमा एच, एच बराबर क्या लिखना है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 125 से 145 जाने में कितना लगा 20, तो लिख दिए 20, आपको समझ में आता होगा। सबसे पहले यहां पर किया है, ध्यान दीजिए कि जोड़ दिए हैं, ये आया 68, 68 को आधा किए 34, खोजना है यहाँ पर कि 34 एन बाई टू यानी 34 से बड़ी संचयी, संचयी बारंबारता, तो ये हुआ, ये बारंबारता हुआ, ये वर्ग अंतराल हुआ, यानी कि 34 से बड़ा कौन है 42। अब बोलिएगा ये भी तो बड़ा है, नहीं, इससे जो पहले आएगा बड़ा उसी को लिखना है, ठीक है, तो 42 लिख दिए, तो संचयी बारंबारता इसका वर्ग हो जाएगा इसी के सामने वाला 125 से 145, तो एल हो गया 125, शुरू वाला होता है, ये दोनों के बीच का अंतर एच बराबर हो जाता है 20, ठीक है। अब आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, अब हो जाएगा एल हो गया एच हो गया, ठीक है, अब एन बाय टू, एन बाय टू के मान कितना है 34, तो लिख देते हैं एन बाय टू बराबर हो गया 34, एन बाय टू बराबर 34। अब सी एफ, सी एफ किसको लिखना है, 42 नहीं, इसका ऊपर वाला लिखना है और इसका सामने वाला, तो इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाला हो जाएगा सी एफ, यानी सी एफ के मान हो जाएगा 22, और इसका सामने वाला यानी कि हो जाएगा इसका सामने वाला एफ, एफ के मान हो जाएगा 20। ध्यान दीजिएगा,
जो बाला रहेगा इसको लिखना नहीं है, सिर्फ ये जो आया 42 नाम का, ये जो आया 42 नाम का, यानी n/2 यानी बड़ा, बड़ा कौन है, 34 से बड़ा कौन है, 42, 42 के ऊपर वाला और 42 के सामने वाला, वही दोनों होता है। तो इसका नाम क्या है, सब जो है F1 है, तो सभी को नहीं लिखना है, इसका सामने वाला एगो लिखना है, और CF तो सब है, सब सभी को तो नहीं लिखना है, एगो के लिखना है, तो 22 किसको लिख दिए, इसका ऊपर वाला 22, ठीक है। अब ये सूत्र में बैठा देते हैं, ध्यान दीजिए, एकदम कुछ ना है, बस हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, एल, एल के मान है 125 है, तो लिख दिए 125 प्लस n/2 कितना आया है 34, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, CF के मान दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 22, तो लिख दिए 22, इस तरह के बटा है, देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ भी बटा देना, जो है सेम प्रोसेस करनी है। F के मान है 20, तो लिख दिए 20, देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, गुना है तो गुना, H है तो क्या लिखेंगे 20, बस हो गया, कहीं मत जाइए, बस बन गया, आपको 6 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, प्लस है तो प्लस, ठीक है। 34 में 22 गया तो बच जाएगा 12, नीचे क्या है 20 गुना 20, 20 और 20 क्या हुआ, कट गया, ठीक है। तो 125 और ये दोनों कट गया, अब जो बच गया उसी को जोड़ देना, 125 प्लस 12 हो जाएगा 137 आंसर। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, अगर आप समझ गए तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि आज हो कल हो, 11th हो, 12th हो, BA BSc कभी भी आपको इस चैनल से ज़रूरत अवश्य ही पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, आपको सब्सक्राइब करने में ना पैसा लगेंगे ना मेमोरी भरेंगे, तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और आपको किसी भी तरह के वीडियो चाहिए मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है तो हमें आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, इसमें स्वतंत्र होकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, बिल्कुल सही सटीक ढंग से समझा दिए हैं। और वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और लाइक करने, सब्सक्राइब करने